नमस्कार दोस्तों, आपने हाथ की रेखाओं के बारे में तो काफ़ी बार सुना होगा, जाना भी होगा। आपको पता है कि हमारी हाथ की रेखाएं हमारे फ्यूचर के बारे में बताती है कि हम कैसे हैं, हमारी तरक्की होगी या नहीं होगी, हमारी सामने आने वाली तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, उनके बारे में बताता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी अंगुलियों पे नाखून, अंगुलियों के नाखून पर चांद का निशान होता है, तो वे भी हमारे फ्यूचर के बारे में बताते हैं कि हम कैसे हैं, हमें किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हमारे फ्यूचर में हम क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, हमारी तरक्की होगी, नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो आज की वीडियो में आप इन सभी बातों का जान पाएंगे कि हमारे नाखूनों पर बने चांद हमारे लिए गुड लक है या गुड लक नहीं है, दोनों बातें आप जान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे द्वारा नए नए छोटे छोटे वीडियो डेली शेयर किए जाते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब हम बात करते हैं जिन लोगों के तर्जनी अंगुली यानी अंगूठों के पास वाली अंगुली है उस पर आधा चांद बना हुआ होता है, तो वे लोग कैसे होते हैं। अगर आपकी तर्जनी अंगुली यानी अंगूठे के पास वाली अंगुली के नाखून पर आधा चांद बना हुआ है तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। इससे आपको जल्द ही तरक्की मिलेगी। अगर आप किसी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपकी जॉब पक्की है। ये मान के चलिए जिन लोगों के तर्जनी अंगुली पर आधा चांद बना हुआ होता है वे लोग जल्द ही तरक्की कर पाएंगे। यदि आपके बड़े और लंबे नाखून हैं और इस पर आधा चांद बना हुआ है तो यह आपके लिए अशुभ हो सकता है। आपके नाखून छोटे ही रखें वो आपके लिए शुभ होंगे। अगर लंबे हैं उन पे चांद बना हुआ है आधा, तो मान के चलिए आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, खासकर कई बीमारियों से आपको लड़ना पड़ सकता है, जैसे सिर दर्द, गला, सीना आदि में तकलीफें होने की चांसेस रहते हैं, ज़्यादा बढ़ जाती है ये बीमारियाँ। इसलिए अगर आपके ये हैं लंबे नाखून और उन पर चांद बना हुआ है तो इस बात का ज़रूर ध्यान करें दोस्तों। अब हम बात करते हैं यदि आपके नाखून छोटे हैं और उस पर आधा चांद बना हुआ है, चांद का निशान है, तो रीढ़ की हड्डी या टांग का दर्द हो सकता है आपको। अगर नाखून छोटे हैं लेकिन फिर भी आधा चांद बना हुआ है तो आपके रीढ़ की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे आपके कमर में दर्द होना। धीरे धीरे कमर का दर्द तो वैसे भी होता ही है दोस्तों, लेकिन आपके अंगूठे के निशान भी बताता है आपको कि इन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर आपके अंगूठे पर निशान है तो आपको एक गुड न्यूज़ भी मिलने वाली है, यानी कि आपका कोई नया दोस्त है वो आपको मिलने वाला है और गिफ्ट भी देने वाला है, तो आपके लिए ये बात अच्छी होती है। अब हम बात करते हैं कि आपकी बीच वाली अंगुली यानी मध्यमा अंगुली है उस पर चांद का निशान है, तो इसका अर्थ ये है कि कोई आपसे गुपचुप तरीके से दुश्मनी लेने वाला है। बता रही हूँ आपको कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको सोच समझकर ही बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए, वरना आप गलत तरीके से गलत का शिकार हो सकते हैं। अगर आपकी अनामिका अंगुली यानी रिंग फिंगर पर चांद का निशान है तो आपके यश और सम्मान बढ़ने वाला होता है, सम्मान प्राप्त करेंगे आप। वहीं छोटी अंगुली पर निशान है तो जातक को व्यापार में लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बताया है आपके अंगुलियों पे चांद के निशान होते हैं तो वे कैसे लोग होते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा नए नए वीडियो डेली शेयर किए जाते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।